ला विप्रो लिवाई गया पासा इन्हें मिट्टिया सी विप्रो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। और बहुत ज़्यादा ठंड है और लगभग 6:30 बजे हैं। अलार्म लगाया था 6:30 बजे का, तभी उठ गया हूँ। और अब एक टाइम लैप्स लेने के लिए रखा था, लेकिन फ़ोन की जो बैटरी थी वो भी डेड हो गई, फ़ोन एकदम ठंडा हो गया। और अभी ये दोनों भाई तो उठे नहीं है। चलो भाई उठो, चलो 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 चलो, फिर जाना है अभी अपने। चलो 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 चलो, 6:30 बजे। हाँ, 6:30। हाँ, डायरेक्ट जूते पहन के सो गए। इसके तो जूते निकल गए। इसके तो जूते फट भी गए। ये देखो कितनी बर्फबारी हुई है, मतलब इतनी ज्यादा तो नहीं हुई है लेकिन हुई है बर्फबारी। अभी तक ये गाय वगैरह है, रात को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब किया था लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं किया। अभी थोड़ी देर बाद हम यहाँ से निकलते हैं। अब हम सीधे कारगिल जाने वाले हैं। और पहले वहाँ से बोला, पदुम से बोला था कि वहाँ से भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या पूरा ऑफ रोड है और एक रिवर बहती है, बोला भी नहीं जा रहा है। तो एक रिवर बहती है तो उसमें क्या टाइम टू टाइम जाना पड़ता है। अगर आप लेट पहुंचे तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको फिर 5 बजे निकलना पड़ेगा। ये तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तो मैंने उसको अवॉइड किया। मैंने कहा फिर कारगिल चलते हैं, कारगिल से ले चलेंगे, इसके बाद में जो जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो अभी सीधा कारगिल चलेंगे, कारगिल में स्टे लेंगे, फिर कल ले के लिए निकलेंगे। जितना भी नाश्ते पानी का सामान लाए सब सूज गया, देखो सबके पैकेट सूज, ये देखो कितना सूज गया ये। ये तो प्रेग्नेंट ही हो गया पूरा। गाड़ी लोड हो गई, अब कारगिल के लिए रवाना होते हैं। और अब यहाँ से थोड़ा रुकना है पेंसिल ला पे, थोड़े फोटो वोटो खींचेंगे और फिर निकलेंगे सीधा कारगिल के लिए। अब कहीं रुकना नहीं है, ठीक है। बाकी तो आपने आते टाइम पूरा रोड देखा ही है, पूरे नज़ारे भी देखे हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, चलिए अब यहाँ से चलते हैं कारगिल की तरफ। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जोर से बोलिए। अपनी चढ़ाई शुरू होने वाली है और लगभग 3 या 4 स्टेप चढ़ना पड़ेगा हमको, और फिर जो हमारा जो टारगेट है वहां तक पहुंचेंगे। और बहुत ज्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं, एकदम मतलब नॉर्मली चढ़ाई है, और हो सकता है वहां से फिर पेंसिला जो है पिक पॉइंट है वो आ जाएगा, ठीक है। ये अभी आपको जांस्कर रिवर दिख रही होगी, मतलब पूरी जमी हुई है बर्फ से, ठीक है। और यहाँ से निकलती है फिर आगे तक जाती है, बहुत ज्यादा दूर तक जाती है, मतलब बहुत ही जबरदस्त है।
अभी हम वो रोड से आए थे, वो रोड से होते 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 इतने ऊंचे तक आ गए, और भी थोड़ा ऊंचाई तक जाना है और फिर अपना पेंसिला पीक आ जाएगा। ठीक है, पेंसिला पीक, पेंसिला पास कह सको, ठीक है, वो आ जाएगा। बाकी यहाँ पे काम तो एकदम तीव्र गति से चल रहा है। इतना डेरिंग बाज इंसान है, देखो जरा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो सीधे ऊपर, नीचे से सीधा ऊपर। यह है पेंसिला पिक पॉइंट, बोर्ड तो इसका सो गया है। चौदह हजार फीट की ऊंचाई पे है और ये लेक एकदम खूबसूरत है, बहुत ही जबरदस्त है। उस दिन यहाँ तक आके गए थे, शायद ही हमने चीज मिस कर दी थी, तो अभी उसको मिस करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पे आए। और ये देखिए कैसा, कितना जबरदस्त माहौल दिया, बहुत सही। अभी ये खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग शुरू हो चुकी है, इसको तो हम पहले भी फेस कर चुके हैं, लेकिन पहले चढ़ने वाली थी, अब उतरने वाली होगी। तो अभी ट्राई करता हूँ आपको अच्छे अच्छे एंगल से मैं कुछ अलग दिखा पाऊँ। सड़क का कामकाज है वो एकदम द्रुत गति से चल रहा है, तीव्र गति से। हाँ, वो तीव्र गति, द्रुत गति जो भी कहो। और अभी अपना डेस्टिनेशन बाकी है, बताने कितना बाकी है क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं, तो बताएंगे कैसे। लेकिन अभी रोड तो अमेजिंग है और बहुत सारे डिफरेंसेस फील हो रहे हैं। उस दिन आए थे तो बहुत सारा रोड नहीं बना था, मतलब बहुत सारा काम बाकी था, और अभी तो अच्छे रोड्स हैं, थोड़ी डिफिकल्टीज कम हो रही है। और एक वुड बिलाव और दौड़ के जा रहा है उधर, एक इधर बैठा हुआ है, मतलब वुड बिलाव की पूरी श्रृंखला है यहाँ पे, तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर ऐसे रोड्स मिलते हैं तो दबा के चलाने मजा आता है, लेकिन तुरंत कुछ न कुछ आ जाता है बीच में। ये देखिए, इनको शायद वुड बिलाव भी कहते हैं। एक यहाँ पे नीचे ये जो क्या बोलते हैं, ये चट्टान है, ये चट्टान दिख रही है उसके नीचे, वो गया। कितने जबरदस्त क्यूट से है। अभी नेटवर्क बिल्कुल जीरो है, रोड एकदम ऑफ रोड वाला, मतलब एक्सट्रीम ऑफ रोड है। ठीक है, 10, 20, 15 वो वाली स्पीड, ठीक है, आप ज़्यादा स्पीड में नहीं चला पाओगे। और नेटवर्क बीच में आया था तो क्या, फैमिली वालों बहुत परेशान थे कल से, क्योंकि हम इतना आउट ऑफ नेटवर्क कभी रहे ही नहीं है। तो लगभग कल तीन या चार बजे से हम आउट ऑफ रीच हो गए थे, तो सबका फ़ोन आ रहा था और जैसे ही नेटवर्क में आए तुरंत फ़ोन आ गया, क्या है कैसे हो, और थोड़ी देर बात हुई और फिर नेटवर्क वापस गया। जहाँ तक अभी का एक्सपीरियंस, अभी के एक्सपीरियंस की बात करता हूँ, जैसे हम जेंसकार वगैरह जाके आए, तो अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो जियो पोस्टपेड को प्रीफर करें। देखो BSNL का तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, एयरटेल का बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका है, जीरो कोई मतलब नहीं एयरटेल का लेने का। जियो भी छोड़ देता है बीच बीच में नेटवर्क, नहीं छोड़ते ऐसी बात नहीं, लेकिन जियो बहुत अच्छा है,
आप जियो के ऊपर ही जाइए, ठीक है। बाकी कहीं कहीं आपको एक दो घंटे तीन घंटे भी नेटवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन आफ्टर ऑल आपको हर जगह जियो का नेटवर्क है, कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। रात को जो डबल डबल सब पहना था वो तो रहने ही दिया क्योंकि ठंड लग रही थी। मैंने कहा कौन उतारे करके, कारगिल में उतारेंगे, इन दोनों ने उतार लिए डबल डबल। लेकिन हम तो क्या है कि हम किसी के एहसान फरामोश नहीं है, ये जिससे सीखे हम डबल डबल पहनना उनको धन्यवाद के रूप में इतने किलोमीटर का सफर करके देना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। किलिंग जिवड़ा भाई निकलना अपन कहाँ है निकल जाने अटलम जुझे बलियाड़ी बिगड़ा गया साथ होते हैं तो नमे बनियारे तारा साइड जो ही रही हो मुंह तो बना नियारे मुंह जो तू तो नहीं करता दोनों पड़े निकल तू तू निकल जा वो भी अभी रही हो फिर हड़पा भी अभी रही हो क्या करे जो है क्या मारत नाम ले जो तीन डिफेंडर जो इन्हें वाली भी डिफेंडर है सब डिफेंडर सब डिफेंडर सब डिफेंडर डिफेंडर हार ये डिफेंडर सब एमएच नहीं या जो नहीं सब बारी बारी गाड़ी सा मिचुबिशी पजेरो स्पॉट एम्बुलेंस ये कहाँ से आएगी कबाब में हड्डी हाथे लेने निकली है मैं भी तो मैं कहता है तू अवीर जेम ग्रीन अरे मोटी पार्टी में लेने निकला हूँ अभी हम कारगिल में आ चुके हैं तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे, मतलब ब्रेकफास्ट का अभी तो लंच का टाइम हो गया तो लंच वगैरह कर लेंगे। इसके बाद में रिजॉर्ट भी बुक कर दिया है और जो रिजॉर्ट हमने पहले बुक किया था उसी को बुक किया अभी और बहुत अच्छा डिसेंट था। पहले लंच करेंगे अच्छी वेज होटल में, इसके बाद में जाएंगे सीधा वहाँ पे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।